बाइक बूट से संबंधित चार पांच खबरें हमारे पास पहुंची है दोस्तों। सभी को जानते हैं कि करके जैसे कि आप लोगों को पता है कि बाइक बूट में काफ़ी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं अभी तक, और काफ़ी इसमें मुकदमे भी हो चुके हैं। 57 मुकदमे तो नोएडा में दर्ज हैं। अलग अलग खबरें हैं, विस्तार से जानेंगे इन खबरों को। सबसे पहले जो खबर है दोस्तों कि जो बाइक बूट घोटाले में द ग्रैंड वेनिस मॉल का मालिक है उसको गिरफ्तार कर दिया गया है, और उनका क्या कनेक्शन है बाइक बूट से, इस न्यूज़ के माध्यम से जानेंगे हम लोग कि लगभग 3,500 करोड़ रुपए के बाइक बूट घोटाले में EOW की टीम ने द ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक मोंटू वसीन को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ लाकर उससे पूछताछ की जा रही है। EOW के मुताबिक मोंटू वसीन के पास भी बाइक बूट घोटाले की मोटी रकम लगी हुई है। घोटाले के बाद से ही मोंटू वसीन फरार चल रहा था। विवेचना में मोंटू वसीन का नाम सामने आया है। ESP रामसुरेश यादव ने बताया कि मोंटू वसीन को सोमवार को ग्रेटर नोएडा स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ ग्रेटर नोएडा में बने द ग्रैंड वेनिस मॉल का जो है मालिक है मोंटू जो वसीन है, वो जो है एक मॉल है उसका मालिक है। मेरठ लाकर मोंटू वसीन से पूछताछ की जा रही है। EOW यहाँ भी मान रही है कि मॉल में भी बाइक बोर्ड का पैसा लगा हुआ है। मामला दोस्तों क्या है वो तो आप लोगों को पता है, फिर भी इस न्यूज़ के अनुसार ESP रामसुरेश यादव ने बताया कि बाइक बोर्ड घोटाले के 57 मुकदमे नोएडा के अलग अलग थानों में दर्ज हुए थे। इनकी पूर्व में जांच नोएडा पुलिस कर रही थी। 14 फरवरी 2020 को सभी 57 मुकदमों की विवेचना शासन ने EOW मेरठ सेक्टर को सौंप दी। जांच में सामने आया कि गर्भित इनोडे प्रोपोर्ट्स लिमिटेड के जो निदेशक संजय भाटी और 19 आरोपियों ने उक्त कंपनी रजिस्टर कराकर बाइक बोर्ड स्कीम में अलग अलग जिलों में और राज्यों में फ्रेंचाइजी देकर लोगों से करीब 3,500 रुपये की ठगी की है। तो बाइक बोर्ड का जो निदेशक है संजय भाटी, उनका इनसे काफ़ी करीबी रिश्ता रहा है, इस न्यूज़ में बताया गया है। दूसरी खबर भी दोस्तों इससे रिलेटेड है, और ये दूसरे न्यूज़पेपर की खबर है। तीसरा दोस्तों कि जो पैसे थे बाइक बोर्ड में, जो निवेशकों के पैसे थे उनको कहाँ यूज़ किया गया, तो उसमें खुलासा हुआ है कि 98 करोड़ मोंटू की कंपनियों में खपाए उनमें निवेश किया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा मेरठ में बहुचर्चित बाइक बोर्ड घोटाले में सतेंद्र वसीन उर्फ मोंटू को सोमवार देर रात ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार कर लिया है। वहां ग्रेनो के द ग्रैंड वेनिस मॉल का मालिक है। जैसे कि मैंने पिछली खबर में बताया था, घोटाले के 98 करोड़ रुपये मोंटू की कंपनियों में खपाए गए थे। EOW मेरठ सेक्टर के SP डॉक्टर रामसुरेश यादव ने निर्देशन में इंस्पेक्टर KP शर्मा, बिजन सिंह भडाना, अवधेश माहौल व सब इंस्पेक्टर विजय पाल सिंह की टीम ने मोंटू को सोमवार रात ग्रेटर नोएडा में कलेक्टर के पास से गिरफ्तार किया है। मोंटू दिल्ली के D24 रोजर गार्डन का रहने वाला है। मोंटू बाइक बूट स्कीम चलाने वाली कंपनी के मेसर्स गर्भित इन्वर्टिस प्रमोटर लिमिटेड कंपनी के AMD संजय भाटी और सहायुक्त विजेंद्र सिंह के साथ आपराधिक षड्यंत्र में शामिल था। एक कागज़ पर संपत्ति बेचना दिखाया। SP ने बताया कि GIPL के निदेशक के 98 करोड़ रुपये मोंटू के स्वामित्व वाली कंपनी भसीन इंफ्रास्ट्रक्चर व विनम्र इंफ्रास्ट्रक्चर के विभिन्न बैंक खातों में शोधन के उद्देश्य से जमा किए गए थे। इन धनराशि को वैधानिक रूप देने के लिए उसने अपने स्वामित्व वाले ग्रैंड वेनिस मॉल की व्यवस्थापिक संपत्तियों को GIPL को बेचे जाने से संबंधित फर्जी आवंटन पत्र जारी किया। बड़ी खबर है दोस्तों, इन संपत्तियों का कोई वैध अनुबंध या रजिस्टर डील जो है नहीं की गई, हस्ताक्षर भी फर्जी पाए गए। तो दोस्तों ये खबर काफ़ी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है और इतने बड़े मॉल के मालिक हैं वो भी इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट जो खबर है दोस्तों कि बाइक बोर्ड के महाठग संजय भाटी को मोंटू भसीन ने ठगा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जैसे कि पिछली खबर में बताया गया उसी से रिलेट है कि फर्जीवाड़े के 126 करोड़ रुपए लेकर वेनिस मॉल के एक फ्लोर के थमाए फर्जी अलॉटमेंट दस्तावेज। तो उसी से रिलेट है कि देश के लाखों लोगों से अरबों रुपए की ठगी करने वाला बाइक बूट फर्जीवाड़े के महाठग संजय भाटी भी ठगी का शिकार हुआ है। संजय भाटी भी दोस्तों ठगी का शिकार हुआ है। ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सतेंद्र उर्फ मोंटू वसीन ने आरोपी से 98 करोड़ रुपए की ठगी की। आरोपी संजय भाटी ने बाइक बूट फर्जीवाड़े के 124 करोड़ रुपए वेनिस मॉल में एक फ्लोर लेने की एवज में मोंटू को दिए थे। मोंटू ने न तो पूरे पैसे वापस किए और न ही जगह दी। मोंटू ने लगभग 26 करोड़ रुपये वापस किए थे।
आर्थिक अपराध शाखा मेरठ की टीम ने मोंटू भसीन से गहनता से पूछताछ कर अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। ईओडब्ल्यू की टीम ने सोमवार रात ग्रांड वनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र भसीन उर्फ मोंटू को गिरफ्तार किया। इससे पहले ईडी की टीम ने मॉल में पहुंचकर छानबीन की थी और उस क्षेत्र को सील कर दिया था जिसे मोंटू ने संजय भाटी से 124 करोड़ रुपये लेकर अलॉट किया था। मोंटू ने अलॉटमेंट पंजीकरण नहीं कराया था, इसके चलते उसकी प्रमाणिकता नहीं है। मोंटू ने संजय भाटी के जेल जाने के बाद उसके रुपए देने से इनकार कर दिया था। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है यहाँ पे कि मोंटू ने पहली बार किसी से धोखाधड़ी या ठगी नहीं की। इससे पूर्व उसने मॉल के कई निवेशकों से ठगी की है। मोंटू ने एक दुकान को एक से अधिक लोगों को बेच दिया। जो पीड़ित हैं उन्होंने जब उन पर केस कराए थे उसके बाद मोंटू के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। उसी दौरान वहां तत्कालीन एसएसपी वैभव कृष्ण से मिलने वाली 2019 में सूरतपुर स्थित पुलिस ऑफिस गया था। वैभव कृष्ण ने उसे तुरंत गिरफ्तार कर दिया था। तो दोस्तों बड़ी खबर यहां पे, और साथ में कहा गया कि संजय भाटी ने निवेशकों को दिया था हिस्सेदारी का झांसा। दादरी के कोटगांव स्थित बाइक बोर्ड के मुख्य दफ्तर पर 19 माह से धरना दे रहे मुन्ना वालियान ने बताया कि संजय भाटी ने ग्रांड वेनिस मॉल में 8 जनवरी 2018 को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया था। इसमें कुछ नामी हस्तियों को शामिल किया गया था। संजय भाटी ने निवेशकों को झांसा दिया था कि वेनिस मॉल में उसकी कंपनी की भी हिस्सेदारी है, वहाँ जल्द ही यहाँ एक बड़ा बहुउद्देशीय स्टोर खोलने जा रहा है। यहाँ भी कहा था कि भविष्य में वहाँ अपने दफ्तर को भी यहाँ शिफ्ट कर लेगा। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज यहाँ पे। नेक्स्ट न्यूज है दोस्तों कि आरोपी विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर जारी किया गया है नोटिस। ये भी खबर नोएडा से ही है कि दोस्तों बाइक बोर्ड घोटाले के आरोपियों की तलाश में अब इंटरपोल भी जुट चुकी है। इंटरपोल भी दोस्तों शामिल हो गई इसमें। इस मामले में सबसे अहम आरोपी माने जा रहे मेरठ के निवासी विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ अब इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया गया है। रेड कॉर्नर को मतलब होता है दोस्तों कि कहीं बाहर ना भाग जाए। इसके पूर्व में लुकआउट नोटिस भी जारी हो चुका है। इसके लिए ईओडब्ल्यू मेरठ की टीम ने गृह मंत्रालय और सीबीआई में पैरवी की थी। इन नोटिस के जारी होने के बाद विजेंद्र सिंह के लिए विदेश में छिपना भी आसान नहीं था। ईओडब्ल्यू मेरठ के एसएसपी राम सुरेश यादव ने बताया कि इंटरपोल ने विजेंद्र हुड्डा के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। अब इंटरपोल भी उसकी तलाश कर रही है। विजेंद्र हुड्डा बाइक बोर्ड कंपनी में संजय भाटी के बाद नंबर दो की हैसियत रखता था और पैसे के लेन देन में सबसे अहम भूमिका उसकी होती थी। उसके खिलाफ ग्रेटर नोएडा फास्ट ट्रैक कोर्ट से पूर्व में गैर जमानती नोटिस भी जारी हो चुका है। पुलिस के अधिकारियों की यदि बात माने तो उन्होंने कहा कि बाइक बोट मामले में पहला मुकदमा दर्ज कराने के बाद ही विजेंद्र हुड्डा विदेश भाग गया था और उसने बड़े पैमाने पर ठगी का पैसा विदेश में शिफ्ट किया था। उसकी तलाश हो रही है। इस न्यूज़ के अनुसार दोस्तों ईओडब्ल्यू ने लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। ईओडब्ल्यू काफ़ी लोगों को गिरफ्तार चुकी है जिसमें कि 9 लोग शामिल हैं। बाइक बोर्ड घोटाले की जांच फरवरी 2020 में शासन के निर्देश पर मेरठ की ईओडब्ल्यू टीम को मिली थी। अभी तक इस मामले में ईओडब्ल्यू की ओर से 9 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके बाद जो है 5 आरोपियों पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित था। 7 आरोपी अभी तक फरार चल रहे हैं दोस्तों। इस घोटाले में अभी तक गिरफ्तार हुए कुल आरोपी संख्या 20 है। अभी 7 प्रमुख आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए एसटीएफ ईओडब्ल्यू और पुलिस की टीमें दबिशें दे रही है। इनमें संजय भाटी की पत्नी दीप्ति बहल, बीएन तिवारी, विजेंद्र हुड्डा, जालंधर के दंपति रविंद्र व रेखा तथा लोकेंद्र और भूदेव है। इन पर इनाम घोषित है। अभी तक इस प्रकरण में 100 से अधिक आरोपियों के नाम सामने आ रहे हैं। तो काफ़ी परतें दर बदर खुलते जा रही हैं दोस्तों, जिस तरह से इसकी जांच तेज़ हो रही है। और कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि न्यूज़ों में बहुत ज़्यादा बाइक बोर्ड की खबरें आ रही है और कार्रवाई भी हो रही है। आगे ग्रेटर नोएडा के ग्रैंड वेनिस मॉल के मालिक सत्येंद्र भसीन उर्फ मोंटू को मेरठ ईओडब्ल्यू की टीम ने सोमवार को ग्रेटर नोएडा में गिरफ्तार किया है। उसने पूरी रात दादरी कोतवाली में ही बिताई। मंगलवार को उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दी गई। ईओडब्ल्यू के अनुसार मोंटू भसीन ने बाइक बोट में 124 करोड़ रुपये अपनी कंपनी के खातों में ट्रांसफ़र करवाए थे। इनमें से 26 करोड़ रुपये वापस दे दिए गए जबकि 98 करोड़ रुपये बकाया थे। तो दोस्तों जो पहले मैंने खबर पढ़ी थी वो इसी से रिलेटेड थी। नेक्स्ट खबर भी दोस्तों इसी से रिलेटेड है और वो भी इंग्लिश में है कि ऑनर ऑफ मॉल
हेल्ड फॉर रोल इन बाइकपोट स्कैम, रिसीव्ड 98 करोड़ इन्वेस्टमेंट फ्रॉम मेन अक्यूज्ड, सेज ईओडब्ल्यू। ईओडब्ल्यू ने इस बात को कहा है कि 98 करोड़ रुपए उन्हें इन्वेस्ट किए हैं। लखनऊ से खबर की द इकोनॉमिक ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंस विंग, जिसको ईओडब्ल्यू बोलते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस लेट ऑन मंडे नाइट अरेस्टेड ग्रेटर नोएडा ग्रांड वैन स्मॉल ऑनर सत्येंद्र सिंह वसीन फॉर हिज रोल एज ए को कॉन्सिपिरेटर इन रुपीज 4000 करोड़ बाइक बोट स्कैम, पब्लिशिंग ए नॉन वायलेंसेबल वारंट अगेंस्ट हिम इन द स्कैम द ईओडब्ल्यू। दोस्तों ये न्यूज उसी से रिलेटेड है जो कि हिंदी में न्यूज है, उसी का इसमें इंग्लिश में लिखा गया है, सिर्फ ये दूसरे पेपर की इंग्लिश पेपर की न्यूज है। और ये भी दोस्तों उसी से संबंधित है, अलग अलग न्यूज़पेपरों के अलग अलग हेडिंग के साथ न्यूज़ को दिया गया है। तो दोस्तों इसी से रिलेटेड न्यूज़ें पूरी थी जो कि बाइक बोर्ड से संबंधित जो भी अभी कार्रवाइयाँ हुई है उससे रिलेटेड न्यूज़ें थी। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आप चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और इससे रिलेटेड और जानकारियाँ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।